आप लोग अपने घर में श्राद्ध करते हैं, हमें हमेशा इस बात का पालन करना चाहिए। श्राद्ध का जो नियम है, अगर आप श्राद्ध करना छोड़ देते हैं तो पितर आपसे रुष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में तो हम लोग श्राद्ध करते ही हैं, और कई जगह ऐसा भी है कि मतलब अपने पूर्वजों के तिथि में श्राद्ध किया जाता है। आज भी हमारे घर में जो है पिताजी दादाजी के नाम से, और दादाजी के भी पिताजी के नाम से हमारे घर में श्राद्ध किया जाता है। उनके तिथि के हिसाब से साल भर में वो तिथि जब आता है तो श्राद्ध किया जाता है, और श्राद्ध पक्ष में अलग श्राद्ध किया जाता है, संपूर्ण पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया जाता है। और श्राद्ध का नियम क्या है, अगर आप श्राद्ध करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा, और जिस पुत्र ने श्राद्ध कर्म को छोड़ दिया उसके ऊपर पितरों का आशीर्वाद नहीं होता। इसलिए बेटा का धर्म है अपने पूर्वज के नाम से अवश्य ही श्राद्ध करिए, चाहे आप कुछ और करें ना करें, लेकिन श्राद्ध को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, पिंडदान करते रहना चाहिए। और श्राद्ध का नियम क्या है, कुर्म पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध अगर आप कर रहे हैं तो अपने जमीन पर ही बैठ करके श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के जमीन पर किया हुआ श्राद्ध का फल नहीं लगता, पितरों तक नहीं पहुंचता। जैसे कि आप किसी के घर में किराए से रहते हैं और आपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया तो वो फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप दूसरे के जमीन पर बैठ करके पिंडदान कर रहे हैं तो वो जो पिंडदान है पूर्वज तक नहीं पहुंचता। इसलिए दूसरों के घर में बैठ करके, दूसरों के जमीन में बैठ के श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में ये भाव आया होगा कि गया जी में श्राद्ध करने का नियम है, गया में तो हमारा अपना जमीन नहीं है, तो क्या वो जो श्राद्ध करते हैं हम उसका फल नहीं मिलता क्या? देखिए, कभी भी दूसरों के जमीन में बैठ के श्राद्ध नहीं करना चाहिए ऐसा बताया गया, लेकिन जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ और देव मंदिर, ये दूसरों के जमीन में नहीं आता, इसके स्वामी कोई और नहीं है, इन जमीन में, इन स्थान में किसी और का अधिकार नहीं है। देव मंदिर में भगवान का अधिकार है, पर्वत तीर्थ ये किसी मनुष्य विशेष का नहीं है, इसलिए वहाँ पर बैठ करके हम श्राद्ध कर सकते हैं, उसका फल हमारे पूर्वजों को अवश्य प्राप्त होता है, जो हम पिंडदान करते वहाँ तक अवश्य पहुँचता है। फिर दूसरा नियम ये है कि जब भी आप पिंडदान करें, श्राद्ध करें, तो गोप्य रूप में ही पिंडदान, श्राद्ध में लोगों को बुला करके भोजन कराया जाता है, ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, लेकिन जो पिंडदान होता है गोप्य रूप में ही करना चाहिए। अगर आप पिंडदान करते हुए नीच मनुष्य का दृष्टि अगर पड़ गया तो उसका फल प्राप्त नहीं होता, पूर्वज तक वो पिंडदान नहीं पहुँचता है, ऐसा पद्म पुराण में बताया गया है। और तीसरा नियम, जो व्यक्ति पिंडदान करता है क्रोध में अगर पिंडदान किया तो पूर्वज तक वो पिंडदान नहीं पहुंचता है। अगर आपने क्रोध के साथ में शुद्धि का ध्यान किए बिन अशुद्ध होकर के पिंडदान किया तो श्राद्ध कर्मण व्यर्थ हो जाता है। श्राद्ध का चौथा नियम है, अगर आप श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं और आपके श्राद्ध में पधारे हुए अतिथि का सत्कार आपने नहीं किया, आपके घर में लोग आए हैं, आपने उनको भोजन नहीं कराया, उनका ध्यान नहीं रखा, तो भी आपका श्राद्ध करना व्यर्थ हो जाता है, उसका फल आपको नहीं मिलता, फल नष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध कर रहे हैं तो घर में आए अतिथि का सम्मान सत्कार में कोई भी कमी ना करें। पांचवा नियम है, जिस भूमि में आप बैठकर के पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, वहाँ पर श्राद्ध में खास करके तिल का विशेष महत्व है, तिलों को उस जमीन पर बिखेर देना चाहिए। ऐसा करने से असुरों द्वारा आक्रांत भूमि भी शुद्ध हो जाती है, तो तिलों को अवश्य बिखरें। और छठे नंबर में बताया गया कि श्राद्धकर्ता को विशेष करके शुद्धि का ध्यान अवश्य देना चाहिए।
आप पवित्र होकर के ही श्राद्ध करें। श्राद्ध करने वालों को कुछ नियम का पालन करना चाहिए। कुछ नियम हमने आपको बताया, केवल इतना ही नहीं, बहुत सारे नियम और भी हैं, कभी हम आपको बताएंगे, तो आप इन बातों का विशेष ध्यान दीजिए।